एनएफसी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? Hi guys, this is Srishti. Welcome back to my channel. तो आपको टाइटल देख के समझ आ गया होगा आज हम क्या करने वाले हैं. तो आज हम जितना भी खाना खाने वाले हैं वो सिर्फ अमेरिकन फास्ट फूड जॉइंट से खाने वाले हैं. और आपको वीडियो देख देख के अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आजकल हम कितना ज़्यादा अमेरिकन फास्ट फूड जॉइंट पे रिलाय कर रहे हैं. तो अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. और फास्ट चलते हैं अपना फास्ट फूड खाने. साथ मैं कोशिश करूंगी कि इन ब्रांड्स के पीछे जो एसोसिएटेड स्टोरी है मैं आपको वो भी बता पाऊं. हर ब्रांड के पीछे कुछ ना कुछ एक सक्सेसफुल स्टोरी है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल है, जिसकी वजह से आज ये इतने कामयाब ब्रांड्स बन चुके हैं. सो स्टे ट्यून्ड इन माय वीडियो, आई होप यू लाइक इट. तो सबसे पहला ब्रांड जो है वो है सबवे. तो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. पहले इसको पीट सबवे के नाम से जाना जाता था, जो कि इसका फाउंडर था पीटर बक, जो कि एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट भी हैं. और वो एक बंदे की, वो उनका फैमिली फ्रेंड ही था, उनकी हेल्प करना चाहता था. वो अपनी ट्यूशन फीस भर नहीं पा रहा था, तो एक हम्बल शुरुआत से ये सबवे स्टार्ट हुआ है. और आज मेरे हाथों में है ये. मैंने इसमें लिया है तंदूरी टोफू सबवे, विच इज़ वेरी हेल्दी. तो हम दिखाते हैं अपना सबवे कितना सुंदर लग रहा है. मेकिंग में भी आपको दिखा दिया होगा मैंने. तो हमने थोड़ा सा सॉसेस तो डलवाई हैं. मल्टीग्रेन हनी ओट ब्रेड लिया है. और यार मेरे को ना सारी टॉपिंग्स पसंद है, मेरे को मैं सारी टॉपिंग्स डलवा ली मैंने, मज़ा आया. और सॉसेज डलवाई है और अपना तंदूरी टोफू है. तो ज़्यादा बकबक नहीं कर रही मैं, और अब सीधा खाने की तरफ आते हैं क्योंकि देख के मुझसे रुका नहीं जा रहा बिल्कुल भी. मैंने इसमें कौन कौन सी सॉसेज डलवाई है वो मैं आपको बता देती हूँ. मैंने इसमें साउथ वेस्ट चिपोटले, बारबेक्यू, मेयोनीज और तंदूरी मेयो डलवाई है, जो कि बढ़िया टेस्ट आ रहा है. और वेजीज का क्रंच इसके अंदर बहुत अच्छा लग रहा है. अकेले खा रहे हो और अपना पेट भरना चाहते हो तो ये एक सब इज़ इनफ फॉर यू. अपना सबवे को रखते हैं साइड में. और अमेरिका में जो सबसे फेमस फास्ट फूड है इट इज़ बर्गर. तो बर्गर किंग भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है. तो अब नेक्स्ट बर्गर है हमारा बर्गर किंग का. सो दिस इज़ अ बर्गर किंग बर्गर. हमने लिया है वूपर जूनियर लाइट. वूपर एक्चुअली यहाँ का बड़ा बर्गर है, तो हमने सोचा छोटा बर्गर ले लेते हैं क्योंकि हमने बहुत सारा खाना है ऑलरेडी. बर्गर किंग जो है वो इंडिया में आया था 2015 में. सबसे पहले अपने दिल्ली में ही खुला था, सिलेक्ट सिटी मॉल में. सिलेक्ट सिटी मॉल में. तो बर्गर के अंदर एक पैटी है, अपना प्याज है, टमाटर है. अभी बर्गर किंग और मैकडी की अच्छी टक्कर चल रही है, बट एज अ कंज्यूमर हमें तो फ़ायदा ही है कि हमें तो बढ़िया बर्गर मिलते ही रहेंगे. तो लगता है बर्गर किंग की ज़्यादा तारीफ़ कर दी है मैंने. तो मैकडी हमारा बुरा ना मान जाए, हमारे दिलों में बसा हुआ है क्योंकि वो. तो अब मैकडी का बर्गर उठाते हैं जो कि बेस्ट सेलिंग है यहाँ पर, मैक आलू टिक्की. तो मैंने भी वही लिया और वो मेरा भी फेवरेट है. सो दिस इज़ आर मैक आलू टिक्की. हमने इसका मील लिया है एक्चुअली, फ्राइज़ हैं और कोल्ड ड्रिंक है. बहुत छोटू सा बर्गर है. और इनकी जो सॉस है ना, ये इनकी यूएसपी है जिसके लिए लोग ये बार बार बर्गर लेते ही लेते हैं. ओह माय गॉड, टुरुला बचपन से खा रही हूँ. सही में टेस्ट में कोई चेंज नहीं है. मैकडोनल्ड्स के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मैकडोनल्ड ब्रदर्स थे, उनका एक हैमबर्गर और मिल्क शेक का जॉइंट हुआ करता था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था. और एक रे क्रॉक नाम का बंदा आया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी लाइफ में. तो वो उस टाइम पे सेल्समैन की जॉब कर रहा था और उनके पास मिक्सर सेल करने आया था. और उसने देखा यार कि वो कितने एफिशिएंट तरीके से बेच रहे हैं और वो एकदम हैरान हो गया उनके काम करने के तरीके से. उसने सोचा कि इनके साथ मिलके अपने इनका बिजनेस को बढ़ाया जाए और फ्रेंचाइजी खरीदी जाए. तो इसी से मैकडोनल्ड जो है इतना ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, इतना ज़्यादा बड़ा और ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना ज़्यादा फेमस है मैकडोनल्ड्स. और मैक आलू टिक्की जो है इंडिया में बेस्ट सेलिंग बर्गर्स में से एक है. सो अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट फूड आइटम पे, जो कि एक मैक्सिकन फूड है और यूएसए में बहुत ज़्यादा फेमस है. जो वो ब्रांड है वो आपको भी बताती हूँ. सो दिस इज़ आर टाको. मेरे पीछे भी आपको ब्रांड दिख रहा होगा कौन सा है, ये टाको बेल है. तो नाम ऐसे पड़ा
कि जो इनका फाउंडर था उसका सरनेम जो है वो बेल है, इसीलिए नाम पड़ा टाको बेल। टाको क्या होता है, बेसिकली एक रैप होता है जो टॉर्टिया ब्रेड है, वीट या कॉर्न की बनी हुई होती है, उसके अंदर फिलिंग करी जाती है वेजीज की। जो अपने राजमा है ना वो भी मैक्सिकन ही है, तो ये भी बहुत बढ़िया होता है और बहुत हेल्दी ऑप्शन है, एंड इट इज़ रियली सॉफ्ट ब्रेड। सो लेट्स टेस्ट इट। मैंने सॉफ्ट वाला टाको लिया है, ये 85 रुपीस का है। इस वाले में राजमा नहीं डाला हुआ है, बट अगर आप क्रंची वाला लोगे उसमें राजमा डाला जाता है। जनरली मैक्सिकन डिशेज में राजमा का यूज़ करा जाता है। सो ये बहुत हेल्दी है, बहुत डिलिशियस है, इसके अंदर चीज़ वगैरह डाला गया है, और साथ में ये जो सॉसेज है, अगर आप ये सॉस डाल के खाओगे तो टेस्ट और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा इसका। अब जो ब्रांड जो मैं आपके सामने लेके आने वाली हूँ वो नॉनवेज लवर्स के अमंग बहुत ज़्यादा फेमस है। सो ज़्यादा बोलती नहीं हूँ मैं, आपको सीधा दिखाती हूँ कि कौन सा ब्रांड है। लगा धक्का, वेज वाला KFC। नॉन वेज भी लिया है मैंने कैमरामैन के लिए। सो जो KFC लवर्स हैं ना, सारे नॉन वेज लवर्स हैं जितने भी, वो कॉलेज टाइम में ना मुझे उठा के हमेशा KFC ले जाते थे, और मैं उनकी शक्ल देखती थी, ऑर्डर क्या करूँ मैं, क्योंकि KFC में वेजिटेरियन के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं है यार, बस बर्गर है और एक वो राइस बोल है जो मैंने कभी खाया नहीं है। सो KFC वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, वैसे तो नहीं देख रहे होगे, तो प्लीज़ यार वेजिटेरियंस के लिए भी कुछ लेके आओ यार, बस नॉन वेज तक मत सीमित रहो, इंडिया में बहुत सारे वेजिटेरियंस भी हैं। सो दिस इज़ अ वेज जिंगर बर्गर, और कैमरामैन के लिए हमारा ये है नॉन वेज बर्गर। हमने मेरे वाले में तो चीज़ नहीं डाला है एक्स्ट्रा। सो इसमें सॉसेज है और लेटस है और इनकी पैटी है, थोड़े और वेजेस होते तो बढ़िया रहता। और ये हमारा चिकन वाला है और इसके अंदर फ्राइड चिकन है, एंड इसने एक्स्ट्रा चीज़ डलवाया, उसने बोला है कि मैं तो अपना दबा के खाऊंगा भले तू ना खाए। सो लेट्स डिग इन। और हाँ, KFC जो है ना उसका जो ये भैया, यही है इनके फाउंडर कर्नल हार्लन सैंडर्स, और इन्होंने 65 की एज में ही स्टार्ट किया था ये ब्रांड, और इतना ज़्यादा फेमस हुआ बहुत मेहनत के बाद। मैंने इनकी स्टोरी पढ़ी थी, बहुत मेहनत के बाद इनका ब्रांड जो है सफल हुआ था। सो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और सीधा खाते हैं। तो गाइस, खाते खाते ना साथ में क्विज भी करते हैं, सब ना कमेंट्स में बताना। पहला क्वेश्चन है KFC की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज KFC जो है सेकेंड लार्जेस्ट फास्ट फूड चेन है, सो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है। तो ये दोनों के ऑप्शन आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं अपना बर्गर एंजॉय करती हूँ और फिर लेकर चलती हूँ आपको आगे। तो गाइज, अब हम आए हैं क्रिस्पी क्रेम में, और क्रिस्पी क्रेम इज़ अ डोनट ब्रांड। US में डोनट्स एंड कॉफ़ी ब्रेकफास्ट कंसिडर करा जाता है, तो मैंने लिया है रेड वेलवेट डोनट और अपनी कैपेचिनो, क्लासिक कैपेचिनो। टंकिन डोनट्स भी है, वो भी US का ब्रांड है, वहाँ पे भी काफ़ी वेराइटी ऑफ डोनट्स मिलते हैं जो मुझे काफ़ी पसंद है, बट मुझे आज क्रिस्पी क्रेम से खाने का मन कर रहा था तो मैं आज यहीं पर आई हूँ। सो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और अपना डोनट खाते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा हीट करवाया है क्योंकि मुझे ना थोड़ा हीट करके डोनट बड़ा पसंद है। अच्छा है, अच्छा है, जिसके वजह से थोड़ा चिपक गया है। भाई बहुत टेस्टी है ये, थोड़ा मीठा है बट टेस्ट में गजब है। इसमें थोड़ी शुगर भी डाल देते हैं, हमने कॉफी भी पीते हैं साथ में। हम अपना कॉफी और डोनट एंजॉय करते हैं, आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट स्पॉट पे। सो स्टे ट्यून्ड। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। तो गाइज, हमारा ये फाइनल स्टॉप है, और डोमिनोज से लिए बिना हम वीडियो को कैसे एंड कर सकते थे। और एक और बात बताऊँ मैं आपको, डोमिनोज को डोमिनिक भी बोला जाता था, और जो इसमें आपको इसके लोगों में 3 डॉट्स दिखाते हैं ना, तो जो इनके फर्स्ट 3 स्टोर्स थे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो वहाँ पे डॉट्स हैं। सो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, मैंने ऑर्डर करा है पेपी पनीर चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा, बिकॉज चीज़ बर्स्ट लेना तो बनता है यार। हम ओपन करते हैं अपना पिज़्ज़ा, वेट नहीं हो रहा मुझसे। जो डोमिनोज की अलग सी खुशबू है ना, वो हमें खींच के ज़रूर ले आती है अपने पास। ओ भाई, कितना सुंदर लग रहा है ये पिज़्ज़ा। ओ भाई, ये देखो चीज़ निकल निकल के आ रहा है,
तो इन्होंने इसके ऊपर पैपरिका वगैरह डाला है, पनीर के पीसेस हैं, चीज़ पुल तो आया ही नहीं। तो वेजिटेरियन पेपी पनीर, और ये मेरा फेवरेट है। ऑरिगैनो चिली फ्लेक्स डालना भूल ही गई। भाई डोमिनोज के पिज़्ज़ा को तो कोई कम्पीट नहीं कर सकता, ये बहुत ही टेस्टी है। सो अगर आपको हमारी अमेरिकन फूड जॉइंट्स की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फूडी एंड बाय।